वेलकम गाइस वंस अगेन। आज हम 2002 में आई मूवी रेड ड्रैगन को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जो कि एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है। मूवी की शुरुआत में हमें बाल्टीमोर 1980 का सीन दिखाया जाता है, जहां के एक हॉल में तगड़ा परफॉर्मेंस चल रहा था, जिसे देखने काफी सारे बड़े और अमीर लोग आए हुए हैं। और इन्हीं लोगों में से एक बंदे का नाम डॉक्टर हैनिबल लेक्टर है, जो कि प्रोफेशनली एक साइकेट्रिस्ट है। तो इस दौरान डॉक्टर लेक्टर परफॉर्मेंस को बड़े ध्यान से सुन रहे होते हैं, पर उनका मजा एक फ्लूट आर्टिस्ट खराब कर देता है, क्योंकि वो परफॉर्मेंस के दौरान अपनी ट्यून्स भूल गया था, जिसे प्ले की धज्जियां उड़ जाती हैं। इसके बाद लेक्टर परफॉर्मेंस वाली टीम के लिए डिनर तैयार करवाता है, तो ये सभी लोग लेक्टर के बनाए डिनर को खाके काफी खुश हैं। पर वो लोग इस बात से काफी परेशान भी हैं कि उनका एक साथी परफॉर्मेंस के बाद से गायब है। तभी एक लेडी लेक्टर से पूछती है कि इतना शानदार खाना तुम कैसे बना लेते हो। तो हैनिबल लेक्टर मिस्टीरियसली बोलता है कि ये बात एक सीक्रेट है, और अगर मैं तुमको अपनी कुकिंग का राज बता दूं, तो तुम ये खाना बिल्कुल भी नहीं खाओगी। यहाँ पे ये तो क्लियर हो जाता है कि उस फ्लूट वाले बंदे को हैनिबल लेक्टर ने ही गायब किया है, साथ ही उसने इन लोगों के खाने में ऐसा कुछ मिलाया है जिसे कोई भी खाना पसंद नहीं करेगा। पॉसिबली हैनिबल लेक्टर ने उस फ्लूट वाले बंदे को मार के उसे पकड़ डाला है, साथ ही उससे बने खाने को टीम को सर्व भी कर डाला है। डिनर खत्म होने के बाद लेक्टर के घर स्पेशल एजेंट ग्रैम आता है, जिसे देखकर डॉक्टर लेक्टर जरा भी सरप्राइज्ड नहीं है, क्योंकि डॉक्टर हैनिबल एक साइकेट्रिस्ट है, तो अक्सर एजेंट्स और पुलिस उनसे सलाह मशवरा लेने आते हैं। यहाँ पे हमें पता चलता है कि एजेंट ग्रैम डॉक्टर के साथ एक केस पे काम कर रहे हैं, जिसमें एजेंट ग्रैम एक सीरियल किलर को इन्वेस्टिगेट कर रहा है, जो अपने टारगेट्स को मार के उनके बॉडी पार्ट को निकाल लेता है। पर एजेंट ग्रैम क्लियर करता है कि किलर विक्टिम्स के बॉडी पार्ट को कलेक्ट नहीं कर रहा है, बल्कि वो विक्टिम्स के बॉडी पार्ट को निकाल के खा रहा है। यानी किलर एक कैनिबल है, क्योंकि सभी विक्टिम्स की बॉडी के वही पार्ट गायब हैं जिन्हें पकाकर खाया जा सकता है। तो ये सुन के डॉक्टर लेक्टर काफी सीरियस हो जाता है और कहता है कि क्यों ना तुम कल सुबह मुझसे आकर मिलो, सुबह फ्रेश मूड में बात करेंगे। तो जब डॉक्टर काम से अंदर जाता है, तब एजेंट ग्रैम की नजर एक बुक पे जाती है, जिसमें इंसानों को काट के उनको पकाने की विधियां लिखी हुई हैं। तो ये देखकर एजेंट समझ जाता है कि वो कैनिबल किलर और कोई नहीं डॉक्टर लेक्टर ही हैं, जो लोगों को मार के खा रहे हैं। तभी यहाँ पर डॉक्टर आ जाता है, जो एजेंट के पेट में अपना चाकू घुसा देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसका राज बाहर आए। पर एजेंट ग्रैम जैसे तैसे करके डॉक्टर के पेट में कुछ तीर घुसा देता है, जिससे उसे डॉक्टर को गोली मारने का टाइम मिल जाता है। इसके कुछ दिनों बाद हर न्यूज़पेपर में न्यूज छपती है कि डॉक्टर हैनिबल ही मैन ईटिंग किलर है, जिन्हें अब अरेस्ट कर लिया गया है। साथ ही एजेंट ग्रैम की इंजरीज का भी जिक्र किया जा रहा है। इसके बाद हमें कुछ साल बाद फ्लोरिडा का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एजेंट ग्रैम अपने रिटायरमेंट के दिन बिता रहे हैं। पर एक दिन ग्रैम से मिलने उसका प्रीवियस बॉस एजेंट जैक आ जाता है, जो बातों ही बातों में रिवील करता है कि FBI अब एक न्यू सीरियल किलर को इन्वेस्टिगेट कर रही है, जिसने पिछले महीने में दो फैमिलीज को मारा है। जैक कंटिन्यू करते हुए कहता है कि ये केस नॉर्मल नहीं है, इसे हम तुम्हारे बिना सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो प्लीज ग्रैम हमें तुम्हारी हेल्प की जरूरत है, क्योंकि हमारे अनुमान से वो किलर अपना शिकार 3 हफ्ते बाद करने वाला है। तो ये जानकर ग्रैम सोच में पड़ जाता है। पर जैक के जाते ही ग्रैम की वाइफ मॉली उससे कहती है कि जैक के पास पूरी गवर्नमेंट का सपोर्ट है, तो बेहतर होगा कि तुम किसी भी केस में इन्वॉल्व न हो, क्योंकि तुम पहले ही ट्रॉमा से बाहर नहीं निकल पाए हो। पर ग्रैम ने तो इस केस को सॉल्व करने का मन बना लिया है, जिसके लिए ग्रैम फर्स्ट विक्टिम के घर जाता है, जो कि लीड्स फैमिली को बिलोंग करता है। तो अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान ग्रैम नोटिस करता है कि घर का पेट डॉग गायब है, साथ ही किसी ने भी डॉग के भौंकने की आवाज क्यों नहीं सुनी। अंदर जाने पे ग्रैम की नजर मास्टर बेड पे पड़ती है, जिसपे काफी सारा खून पड़ा हुआ है। तो ग्रैम अपने मेमो में रिकॉर्ड करता है कि किलर ने सबसे पहले मिस्टर लीड्स का गला काट डाला, फिर उसने मिसेस लीड को गोली मारी थी ताकि वो जख्मी हालत में अपने आदमी को तड़प तड़प के मरते हुए देखे, और फिर किलर ने बच्चों के रूम जाके उन्हें भी मार दिया। और फिर ग्रैम नोटिस करता है कि घर के सभी मिरर्स टूटे हुए हैं। अपने घर पहुंचने के बाद ग्रैम पुलिस के इन्वेस्टिगेटेड रिकॉर्ड्स और रिपोर्ट्स को चेक करने लगता है, पर उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो वो सोने लग जाता है। पर उसे नींद में नाइटमेयर्स आने लगते हैं, जिससे बाहर आने के बाद उसे ये केस थोड़ा थोड़ा क्लियर होने लगता है। तो वो फाइल्स को दोबारा से स्टडी करने लगता है, तो उसे पता चलता है कि ये सब किलर ने मिसेस लीड का रेप करने के लिए किया था। साथ ही किलर ने मिसेस लीड को अपने ग्लव्स उतार के टच भी किया था, स्पेशली उनकी आंखों को। तो ग्रैम इस बात को जल्दी से जैक को बता देता है,
ताकि वो मिसेस लीड की डेड बॉडी को चेक करवा के किलर के फिंगरप्रिंट्स को निकलवा सके। नेक्स्ट डे पुलिस स्टेशन में रीसेंट सीरियल किलिंग को डिस्कस किया जा रहा होता है, तो डिटेक्टिव बताता है कि मिसेस लीड और मिसेस जेकब की डेड बॉडीज पे काफी सारे बाइट मार्क्स मिले हैं जो कि किलर ने बनाए हैं। तो बाइट मार्क के हिसाब से हमने एक मॉडल बनाया है जिससे पता चलता है कि किलर के दांत काफी ज्यादा पहने हैं। इसके बाद ग्रैम को बुलाया जाता है ताकि वो अपनी डिस्कवरीज को शेयर कर सके। तो ग्रैम कहता है कि किलर का प्राइम टारगेट तो सिर्फ मिसेस लीड्स और मिसेस जेकब थी, बाकियों को तो किलर ने अपनी फैंटेसी या ब्लड थ्रस्ट को पूरा करने के लिए उन्हें मारा था। यानी किलर कोई मेंटली अनस्टेबल बंदा नहीं है, वो बिल्कुल सोच समझ के मर्डर करता है। इसके कुछ समय बाद जैक को पता चलता है कि मिसेस लीड की आंखों पे एक थंबप्रिंट मिला है जिसके थ्रू अब किलर को पकड़ा जा सकता है, मगर ये काम इतना भी आसान नहीं होगा क्योंकि वो किलर इतना भी बेवकूफ नहीं है। बाहर जाते वक्त ग्रैम को फ्रेडी नाम का रिपोर्टर मिलता है जो ग्रैम से पूछता है कि क्या ये केस भी डॉक्टर हैनिबल वाले केस जैसा लंबा और मजेदार होने वाला है। तो ये सुनकर ग्रैम भड़क जाता है, पर जैक जैसे तैसे करके ग्रैम को शांत करा देता है। इसके बाद जैक और ग्रैम साथ बैठ के बात करने लगते हैं। तो ग्रैम को पता चलता है कि अथॉरिटीज ने इस किलर को टूथ फेरी का नाम दिया है। तो ग्रैम कहता है कि जैक तुमने मुझसे क्लूज ढूंढने के लिए कहा था जो मैंने तुम्हें दे दिया है, अब मुझे घर जाने दो क्योंकि अब मैं किसी भी केस में इन्वॉल्व होना नहीं चाहता। वैसे भी मैं डॉक्टर हैनिबल लेक्टर के बिना कुछ भी नहीं हूँ क्योंकि आज तक मैंने जितने भी केस सॉल्व किए हैं उनमें डॉक्टर ने ही मेरा साथ दिया था, पर अब मैं डॉक्टर के आसपास भी जाना नहीं चाहता। तो जैक बोलता है कि हायरअप्स ने तुम्हें परमिशन दे दी है कि तुम इस केस को सॉल्व करने के लिए डॉक्टर लेक्टर की हेल्प ले सकते हो। तो न चाहते हुए भी ग्रैम लेक्टर से मिलने चला जाता है, पर वो काफी अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। तो जब ग्रैम लेक्टर के प्रिजन पहुंचता है तो वो देखता है कि लेक्टर तो अपनी प्रिजन लाइफ को मजे से काट रहा है। तो ग्रैम को यहाँ पे देख के डॉक्टर जरा भी सरप्राइज्ड नहीं है, बल्कि वो तो ग्रैम को टॉन्ट करते हुए पूछता है कि तुम्हारी वाइफ और बेटे कैसे हैं, जिस बात का ग्रैम कोई भी जवाब नहीं देता। तो डॉक्टर कहता है कि मुझे मालूम है कि तुम मेरी हेल्प लेने आए हो, वरना तुम मुझसे मिलने कभी भी नहीं आते। तो ग्रैम लेक्टर को टूथ फेरी केस की फाइल देते हुए कहता है कि इस केस में किलर की साइकोलॉजी को समझने के लिए हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए क्योंकि इंसान के दिमाग को पढ़ना तुमसे बेहतर कोई भी नहीं जानता। तो डॉक्टर केस फाइल को पढ़ने के बाद कहता है कि ये किलर एक शिकारी की तरह है जो औरतों को अपना शिकार बनाता है। इस किलर को सभी औरतें पपेट की तरह लगती हैं। साथ ही किलर या तो बहुत बदसूरत है या वो खुद को बदसूरत मानता है, इसी वजह से उसने घर के सभी शीशे फोड़े थे। और खास बात, ये किलर अपना शिकार पूर्णिमा की रात को करता है। तो ये जानकारी मिलने पे ग्रैम यहाँ से जाने लगता है। तो डॉक्टर कहता है कि ग्रैम तुम मुझे पकड़ पाए क्योंकि हम एक जैसे हैं और हम दोनों की सोच एक जैसी है, तो मुझसे दूर भागना बंद करो। पर ग्रैम बिना कुछ कहे यहाँ से निकल जाता है, इस बात से बेखबर कि रिपोर्टर फ्रेडी और उसका कैमरामैन ग्रैम की फोटोस ले रहे हैं ताकि वो लोग अपनी मजेदार कहानी बना सकें जैसा वो हमेशा से करते आ रहे हैं। इसके बाद ग्रैम सेकंड विक्टिम जेकब्स के घर जाता है, जहां चेकिंग करने पे ग्रैम को एक पेड़ पे अजीब सा निशान मिलता है, मानो किसी ने अपना साइन किया हो। तो ग्रैम समझ जाता है कि ये काम टूथ फेरी का ही है। इसके बाद हमें एक नर्सिंग होम दिखाया जाता है जो कि अब बिल्कुल खंडर हो चुका है, और फिर हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसने अपना फेस कवर कर रखा है, साथ ही उसके घर के सभी मिरर भी टूटे हुए हैं। यानी यही आदमी टूथ फेरी है जो इतने सारे मर्डर्स कर रहा है। वैसे इस आदमी का रियल नेम फ्रांसिस डॉलर हेड है, जिसे बचपन में उसकी ग्रैंड माँ बहुत टॉर्चर किया करती थी। तो अब वो पागल हो चुका है, और फिर टूथ फेरी सेफ से एक बड़ी सी बुक निकालता है जिसका नाम रेड ड्रैगन है। वेल, ये बुक एक पिक्चर बुक है जिसमें फ्रांसिस अपनी यादों को रिकॉर्ड करता है। तो वो एक न्यूज आर्टिकल को काट के बुक पे चिपका देता है, और खास बात, ये आर्टिकल फ्रेडी ने लिखा है जिसमें ग्रैम का जिक्र किया जा रहा है। यानी अब फ्रांसिस का न्यू शिकार ग्रैम और उसकी फैमिली है। नेक्स्ट डे ग्रैम लेक्टर से मिलने दोबारा जाता है, जहां वो लेक्टर को एक फोटो दिखाते हुए बोलता है कि किलर ने जेकब के घर के बाहर पेड़ पे एक निशान बनाया था। तो ये निशान देखते ही डॉक्टर हैनिबल कहता है कि रेड ड्रैगन, जिसे सुनकर ग्रैम काफी कंफ्यूज्ड है। तो डॉक्टर कहता है कि ये एक चाइनीज सिंबल है जो रेड ड्रैगन को सिंबलाइज करता है। साथ ही डॉक्टर क्लियर करता है कि तुम्हारा ये टूथ फेरी काफी तेज है क्योंकि जेकब फैमिली किलिंग उसका पहला मास्टरपीस था जिसमें टूथ फेरी ने काफी गलतियां की हैं। मगर सेकंड किलिंग यानी लीड्स मर्डर उसका सेकंड काम था, जिसमें किलर ने अपना काम पहले से बेहतर ढंग से किया है। यानी किलर इवॉल्व हो रहा है,
वो अपनी गलतियों से सीख रहा है, हो सके तो उसे थर्ड किलिंग से पहले पकड़ लो, वरना उसे पकड़ पाना मुश्किल हो जाएगा। ग्रैम के जाने से पहले डॉक्टर उसे एक बुक का नाम बताता है, तो ग्रैम जल्दी से लाइब्रेरी जाके बुक को चेक करने लगता है, जिसमें उसे रेड ड्रैगन के ऊपर स्टोरी मिल जाती है, जिसे ध्यान से पढ़ने पे ग्रैम को अंदाजा हो जाता है कि टूथ फेरी इसे रेड ड्रैगन की तरह एक रियल ड्रैगन बनना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ जेल में डॉक्टर को फोन दिया जाता है ताकि वो अपने लॉयर से बात कर सके, पर डॉक्टर बड़ा चालू है। वो लॉयर को कॉल करने के बजाय साइकोलॉजी डिपार्टमेंट कॉल करके एजेंट ग्रैम का रियल एड्रेस पता लगा लेता है, यानी कि जेल के अंदर भी डॉक्टर के प्लान्स बन रहे हैं। इसके बाद हमें टूथ फेरी दिखाया जाता है, जिसका रियल नेम फ्रांसिस है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि असल में फ्रांसिस बदसूरत नहीं है, बल्कि बचपन में उसके ग्रैंड माँ ने उसे इतना मेंटल टॉर्चर किया था कि अब वो अपने आप को एक बदसूरत जानवर मानता है। वैसे फ्रांसिस एक वीडियो प्रोसेसिंग कंपनी में काम करता है, जहां उसके साथ एक ब्लाइंड लेडी भी काम करती है, जिसका नाम रेबा है। असल में फ्रांसिस रेबा को पसंद करता है, जिस बात का अंदाजा रेबा को भी है। अगले दिन हमें FBI का हेडक्वार्टर दिखाया जाता है, जहां जैक ग्रैम को बताता है कि हमें लेक्टर की जेल से एक लेटर मिला है, जो कि एक फैन लेटर है, और ऐसा लगता है कि ये लेटर टूथ फेरी ने लिखा है, और तो और उसने लेक्टर का अप्रूवल मांगा है, साथ ही वो तुम्हारे बारे में काफी क्यूरियस है। इसके बाद ये लोग टूथ फेरी के भेजे हुए सभी लेटर्स को स्टडी करने लगते हैं, जिससे पता चलता है कि टूथ फेरी लेक्टर को अपना आइडल मानता है, साथ ही वो लेक्टर से बातचीत करना चाहता है, और पॉसिबली लेक्टर ने किलर को जवाब भी दिया है। तो अब ये लोग काफी सीरियस हो जाते हैं, क्योंकि अगर एक क्राइम जीनियस को दूसरे क्राइम जीनियस की हेल्प मिल गई तो ये दोनों मिलके काफी मारकाट मचा सकते हैं। इसके बाद जल्द ही इन्हें पता चल जाता है कि डॉक्टर ने अखबार के थ्रू अपना मैसेज भिजवाया है, तो उन्हें एक न्यूज़पेपर में लेक्टर का लिखा कोडेड मैसेज मिल जाता है, जिसे सॉल्व करने पे एक एड्रेस सामने आता है, जो कि कोइंसिडेंटली ग्रैम की फैमिली का करंट एड्रेस है। साथ ही उसमें लिखा हुआ है कि खुद को बचाओ और बाकी सभी को मार दो, यानी कि डॉक्टर टूथ फेरी के थ्रू ग्रैम और उसकी फैमिली को मरवाना चाहता है, और अब ग्रैम की फैमिली खतरे में पड़ चुकी है। तो ये बात पता चलते ही FBI वाले ग्रैम के घर जाते हैं, जहां से वो लोग रातों रात ग्रैम की फैमिली को सेफ जगह पे ट्रांसफर कर देते हैं। तो ग्रैम मॉली से माफी मांगता है और कहता है कि मुझे इस केस में पार्ट लेना ही नहीं चाहिए था। तो मॉली ग्रैम की सिचुएशन को समझ के उसे माफ कर देती है। तो ग्रैम सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए मॉली को शूटिंग सिखाने लगता है, और जल्द ही ये लेडी शूटिंग एक्सपर्ट भी बन जाती है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने फ्रेडी को अरेस्ट कर लिया है, क्योंकि उसने फेक आईडी का यूज करके ब्यूरो में घुसने की कोशिश की है, ताकि वो लीड्स फैमिली की ऑटोप्सी रिपोर्ट को हासिल कर सके। और लीगली अब फ्रेडी को 5 साल की जेल होने वाली है, पर जैक कहता है कि हम लोग इसका अच्छा यूज कर सकते हैं, क्यों ना इसके हाथों एक आर्टिकल छपवाया जाए, जो कि टूथ फेरी के लिए एक ट्रैप होगा। तो ये लोग फ्रेडी को एक मनगढ़ंत कहानी लिखने के लिए कहते हैं, साथ ही वो इस स्टोरी में डॉक्टर लेक्टर का भी नाम यूज कर रहे हैं। जल्द ही फ्रेडी न्यूज़पेपर में इस स्टोरी को छाप देता है, जिसे फ्रांसिस अपनी वॉक के दौरान देख लेता है, तो वो इस बकवास को पढ़ के बेहद नाखुश है। तो मौका पाते ही फ्रांसिस फ्रेडी को किडनैप कर लेता है। इसके बाद वो फ्रेडी को अपने घर ले जाके बांध देता है, और उससे कहता है कि मैं पहले एक बदसूरत इंसान हुआ करता था, मगर अब मैं इवॉल्व होके एक ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो चुका हूँ, एक रियल रेड ड्रैगन में। इसके बाद फ्रांसिस उसे अपनी बैग दिखाता है, जिस पर रेड ड्रैगन का टैटू बना हुआ है। यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि ये बंदा मेंटली अनस्टेबल है, साथ ही उसे मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, जिसमें फ्रांसिस तो एक डरा सहमा आदमी है, वही सेकंड पर्सनैलिटी रेड ड्रैगन की है, जो खुद को इंसान ही नहीं मानता, साथ ही वो ड्रैगन की बेसिक ग्रीड्स को पूरा करना चाहता है, जो कि है डिजायर ऑफ पोजेसिंग वोमेन। इसलिए ही वो औरतों को अपना शिकार बनाता है। और फिर फ्रांसिस फ्रेडी को अपनी विक्टिम्स की फोटो दिखाते हुए कहता है कि ये सभी औरतें चुनी गई हैं, जिन्हें मैंने खुद में समा लिया है, और अब उन्हें दोबारा से जन्म मिल चुका है। यानी ये फ्रांसिस तो पूरा पागल है, जो फ्रेडी से एक बयान रिकॉर्ड करवा के उसे जिंदा जला देता है। नेक्स्ट डे फ्रांसिस इस रिकॉर्डेड मैसेज को FBI के हेडक्वार्टर भिजवा देता है, जिसे सुनकर सभी एजेंट्स हैरान हैं, क्योंकि इस रिकॉर्डिंग में फ्रेडी टूथ फेरी की काफी तारीफ कर रहा है। साथ ही वो ये भी कह रहा है कि टूथ फेरी एक ग्रेट रेड ड्रैगन है, जिनकी मैं सेवा करना चाहता हूँ। तो ये सब सुनकर सभी FBI एजेंट भड़क जाते हैं, क्योंकि ऐसा करके टूथ फेरी ने उन्हें शर्मिंदा किया है। इसके बाद ग्रैम लेक्टर से मिलने जाता है, तो लेक्टर टॉन्ट करते हुए बोलता है कि ग्रैम अपना पहला खून करके तुम्हें कैसा लग रहा है,
क्योंकि मेरी नजर में तो फ्रेडी को तुमने ही मरवाया है, पर ग्रैम उस पर ध्यान नहीं देता। तो लेटर कहता है कि मैं तुम्हें टूथ फेरी तक पहुंचा सकता हूं, मगर उसके लिए तुम्हें मेरी कुछ जरूरतों को पूरा करना होगा जिनके लिए ग्रैम मान जा पाए। तो लेटर बता देता है कि किसी ऐसे आदमी को ढूंढो जिसने अपने ऊपर ड्रैगन का टैटू बनवा रखा हो, साथ ही उसने खूब सारी सर्जरीज करवा रखी हो। वहीं दूसरी तरफ फ्रांसिस अपनी गर्लफ्रेंड रेबा को अपने घर ले जाता है, जहां काफी देर प्यार भरी बातें करने के बाद इनके बीच तगड़ा रोमांस होता है। अगली सुबह जब फ्रांसिस की नींद खुलती है तो रेबा उसके पास नहीं थी, तो ये देखकर फ्रांसिस काफी घबरा जाता है कि कहीं रेबा उसके घर की तलाशी तो नहीं ले रही। पर जब फ्रांसिस अपनी सेफ को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उसका सारा सामान सही सलामत है, पर तभी उस पर रेड ड्रैगन वाली पर्सनैलिटी हावी होने लगती है, जो बाकी विक्टिम्स की तरह रेबा को भी अपना शिकार बनाना चाहती है। पर फ्रांसिस जो रेबा से रियल प्यार करता है वो रेड ड्रैगन से फाइट बैक करने लगता है, क्योंकि फ्रांसिस रेबा को सेक्रीफाइस करना नहीं चाहता, तो वो सुसाइड करके सब खत्म करने की कोशिश करता है, पर वो खुद को मार नहीं पाता। इसके बाद फ्रांसिस को रेबा गार्डन में मिल जाती है, तो वो जल्दी से रेबा को लेके ब्रुकलिन म्यूजियम जाता है, क्योंकि वहां पर रेड ड्रैगन की ओरिजिनल पेंटिंग रखी हुई है। वेल, फ्रांसिस को लगता है कि अगर वो इस पेंटिंग को डिस्ट्रॉय कर दे तो उसके अंदर की सेकंड पर्सनैलिटी भी मर जाएगी, तो वो हिम्मत करके इस पेंटिंग को फाड़ के खा जाता है। वेल, एक पागल से उम्मीद ही क्या कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ एफबीआई वालों को विक्टिम फैमिली के ओल्ड वीडियोस को देख के उनके घर का सारा मैप समझ में आ जाता है। तो ग्रैम गैस करता है कि अगर टूथ फेरी ने ये वीडियोस पहले से देखी हो तो वो बिना किसी दिक्कत के घर में घुस के सभी को मार सकता है, जैसा कि उसने किया है। और धीरे धीरे ग्रैम को विश्वास हो जाता है कि किलर विक्टिम्स के घर के इंटीरियर को पहले से जानता है, जो कि सिर्फ इन वीडियोस के थ्रू ही पॉसिबल है। तभी ग्रैम को पता चलता है कि जेकब और लीड फैमिली की वीडियोस एक ही वीडियो मेकिंग लैब से बनकर आई है, यानी उनका किलर इसी लैब में काम करता है। तो ये लोग जल्दी से इस लैब की तरफ जाने लगते हैं, जहां पहुंचकर ये लोग एम्प्लॉइज से पूछताछ करने लगते हैं, जिससे ग्रैम को पता चलता है कि इस कंपनी में एक बंदा है जिसके पास एक वैन है, साथ ही उस बंदे का फेस काफी खराब है और तो और उसने फुल बॉडी पे टैटू भी बनवा रखे हैं। तो ये लोग एम्प्लॉय को फोर्स करके पता लगा लेते हैं कि टूथ फेरी का रियल नेम फ्रांसिस है, साथ ही फ्रांसिस यहाँ आने वाली सभी वीडियो टेप्स को देख सकता है। तो ग्रैम को पूरा यकीन हो जाता है कि फ्रांसिस ही किलर है, पर ग्रैम को अंदाजा नहीं था कि फ्रांसिस ने उनकी बातचीत सुन ली है और अब उसे पता चल चुका है कि एफबीआई उस तक पहुंचने वाली है। तो वो जल्दी से यहां से भाग जाता है, मगर भागते वक्त वो देख लेता है कि रेबा का उसके कोवर्कर रैल्फ के साथ अफेयर चल रहा है। तो ये देखकर फ्रांसिस बिल्कुल पगला जाता है और वो रेबा के अंदर जाते ही रैल्फ को जान से मार देता है, और इसके बाद वो रेबा को अपना थर्ड विक्टिम बनाने का डिसीजन लेता है और फिर वो जल्दी से रेबा को कैप्चर कर लेता है। इसके बाद वो रेबा को अपने घर ले जाके उसकी बलि चढ़ाने का इंतजाम करने लगता है, पर फ्रांसिस पर्सनैलिटी अभी भी रेबा को डिफेंड कर रही थी। तो फ्रांसिस पूरे घर में तेल डाल के घर में आग लगा देता है, मगर जब रेबा को मारने की बारी आती है तो फ्रांसिस हेजिटेट करके खुद को गोली मार लेता है। तो गनशॉट की आवाज सुनके रेबा काफी डर जाती है, जिसके बाद वो जैसे तैसे करके घर से बाहर निकल जाती है। इसके बाद जल्द ही पुलिस भी फ्रांसिस के घर पहुंच जाती है, पर अब पूरा घर जल चुका था। साथ ही एफबीआई के पूछने पे रेबा कह देती है कि फ्रांसिस मर चुका है, यानी सभी की नजर में टूथ फेरी का दी एंड हो चुका है। अगले दिन जैक ग्रैम को फ्रांसिस की डायरी देते हुए कहता है कि ये चीज फ्रांसिस की खास है, इसे तुम रख सकते हो। इसके बाद ग्रैम अपनी वाइफ के पास लौट आता है, जहां वो मॉली को सारा किस्सा सुनाने लगता है। नेक्स्ट डे जैक को पता चलता है कि घर में मिली हड्डियां फ्रांसिस के बजाय रेल्फ की हैं, यानी कि फ्रांसिस अभी भी जिंदा है। वहीं जब ग्रैम पानी पीने जाता है तब वो देखता है कि उसके घर के मिरर टूटे हुए हैं, और वो अच्छे से जानता है कि ये काम टूथ फेरी का है। तो वो जल्दी से अपने बेटे को ढूंढने लगता है कि उसके बेटे को फ्रांसिस ने कैप्चर कर लिया है, साथ ही वो उसे मार के सेक्रीफाइस करने वाला है। तो ग्रैम फ्रांसिस को वो गालियां देने लगता है जो बचपन में फ्रांसिस की ग्रैंडमा उसे देती थी। तो ये सुनकर फ्रांसिस अनस्टेबल हो जाता है, जिसका फायदा उठाकर ग्रैम उससे भिड़ जाता है। पर इस लड़ाई में ग्रैम और फ्रांसिस को कई गोलियां लग जाती हैं। तो जब मॉली ग्रैम के पास आती है तब वो मॉली से कहता है कि जल्दी से फ्रांसिस को गोली मार दो। तो जब फ्रांसिस उठ के आगे बढ़ने वाला था तब मॉली गन उठा के फ्रांसिस की खोपड़ी खोल देती है, और इस बार फ्रांसिस सच में मर चुका है। इसके कुछ महीनों बाद ग्रैम को लेटर का लेटर आता है, जिसमें लिखा था कि उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारे सभी घाव भर चुके होंगे, मगर याद रखना
ये घाव तुम्हें तुम्हारे पास्ट की याद दिलाते रहेंगे, जिनमें से सबसे अच्छे घाव मैंने दिए थे मेरे दोस्त। तो ग्रैम इस लेटर को फाड़ के पानी में फेंक देता है, क्योंकि वो लेटर से कोई भी कनेक्शन रखना नहीं चाहता। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। सो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।